Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। I love you too, Gunjan. चलो माँ, चलो जल्दी से भाग चले। मैं जानता था गुंजन कि तुम जरूर आओगे, और देखा वही हो। मैं कैसे नहीं आती अपने डब्बू के लिए, कैसे रहती तुम्हारे बिना। तो फिर चलो, देर मत करो। कहाँ? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज। लेकिन मैं अब तुम्हारे लेकिन वेकिन का टाइम नहीं है, बस तुम मेरे साथ चलो और जैसा मैं कहूँ ना वैसे करती जाओ। आप हमेशा सही वक्त पर पहुंच जाते हैं, भगवान करे ऐसे ही हमेशा रहे। रचना थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर चलते हैं। तो हम बहुत लकी है सो, आप हमारी जिंदगी में आए। थैंक यू सो मच सो, हमें अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए थैंक यू। हम जानते थे कि हमारी छुट्टी पड़ने के बाद तो आप कुछ कहना चाहेंगे। जिस तरह आपने अपनी जान पर खेलकर हमें बचाया है, ऐसे कोई नहीं कर पाता। हमने अपनी चिट्ठी में चिट्ठी? कौन सी चिट्ठी? रचना मुझे तुम्हारी कोई चिट्ठी नहीं मिली। नहीं मिली? रचना तुम्हें पता है ना, तुम मुझे पहले दिन से अच्छी लगी, लेकिन एक स्टूडेंट के तौर पे, अ वेरी गुड स्टूडेंट। देखो मैं तुम्हारे प्यार की कद्र करता हूं, प्यार करना कोई पाप नहीं है। किसी भी स्टूडेंट को अपने टीचर से इंस्टेंट प्यार हो जाता है, ये तुम्हारे लिए क्रश। इट्स ऑल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। आज से 10 से 15 साल बाद तुम जब इन सब किस्सों को याद करोगे, इनके बारे में सोचोगी तो तुम हंसोगे, शर्माओगी। I'm sure about that. संभल के धीरे। हीरो जी। Yes? ये तो बताओ कि हम जा कहाँ रहे हैं? जगह का नाम है सरप्राइज दुनिया। अच्छा ठीक है, अगर नाम नहीं बता सकते एटलीस्ट ये तो बताओ कि हम इस वक्त कहाँ हैं? चंद्र प्रभा से दूर, अपने घर से दूर, प्यार की दुनिया की ओर। बस बस लागू पर। हवा कुछ कह रही है। ये हवा, ये बादल और ये सूरज सब एक ही बात कह रहे हैं। I love you, Gunjan. I really love you. I love you too, ma'am. क्या हुआ रचना? राजीव सर से बात हुई? बताओगी? रोने वाली बात क्या है? बताओ ना रचना, क्या हुआ? चाहे प्लीज यहाँ से चली जाओ। हम बिल्कुल सुनते नहीं है, हमें कोई पसंद नहीं कर सकता। प्लीज रचना क्या हुआ? चाहे प्यार नहीं करते। क्या प्यार नहीं करते? सपने सुहाने, सपने सुहाने, सपने सुहाने लड़क। क्योंकि वो किसी और से प्यार करते हैं चाया। तो कैसा लगा हमारा नया घर? बताइए मैडम, आपको और हमें इस घर में रहना है? ओह, तो ये था तुम्हारा सरप्राइज, हमारा नया आशियाना। चलेगा,
मैंने तो अपने लिए महल के सपने देखे थे, लेकिन लेकिन ये उससे भी अच्छा है। तो चलिए इस आशियाने को चल के अंदर से देखते हैं। चलो एक मिनट मिस्टर गर्ग, वन मिनट। ये लो। अपने घर की चाबी नहीं पहचानते? चलो लाओ, मैं ही खोल देती हूँ। एक सेकेंड, एक मिनट। हो इमली से खट्टे कभी मीठे बगले है हमारे कभी रूठे। घर की लक्ष्मी गृह प्रवेश नहीं करेगी? ऑफ कोर्स करूंगी, पहले इस पे चावल तो भरने दो। वेट, जानो ना सच्चे है कि झूठे। हमेशा लगता था कि गुंजन एक समझदार लड़की है, कभी भी तैश में आकर वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। हाँ, उसकी जुबान जरूर थोड़ी तेज है और सोच बनारस शहर से थोड़ी अलग, पर उसका मन साफ है। अपने अलावा दूसरों के बारे में भी सोचती है वो। उससे ऐसे व्यवहार की तो कतई उम्मीद नहीं थी। माना कि मयंक एक बेवकूफ लड़का, पर गुंजन एक ऐसा लड़का जिसकी सगाई तय हो चुकी है, वो उससे प्रेम कैसे कर सकती है? नहीं, ये आजकल की लड़कियां भी। तो क्या आप भी गुंजन को ही दोष दे रहे? सारा दोष गुंजन का नहीं है शायद, तुम्हारा भी है। मैंने पूरी तैयारी भी की है। हाँ रुको, और भी है, ये तुम्हारे लिए बैंगल्स और ये जूलरी। एंड हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, होल्ड। सिंदूर। ओह माय गॉड, तुम तो सारी तैयारियां करके आए हो। देन आई एम श्योर तुमने मेरे लिए चेंजिंग रूम का भी इंतजाम किया होगा। चिंता मत करो बालिके, पंडित जी की पत्नी है ना तुम्हारी मदद करने के लिए, टेंशन क्यों ले रही हो? डियर रचना, बहुत दिनों से तुम्हें एक बात बताना चाहती थी। मयंक और अपनी, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमें यकीन है कि घर में इस रिश्ते को कोई स्वीकार नहीं करेगा, इसीलिए आई एम सॉरी, लेकिन मैं कैंप छोड़कर भाग रही हूँ। पता है गलत कर रही हूँ, लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं। रचना प्लीज मुझसे नाराज मत होना, हमारी मजबूरी समझने की कोशिश करना। तुम्हारी बहन गुंजन। जिस रास्ते पे तुम दोनों निकल पड़े हो ना, वहां पर सिर्फ रुकावटें ही रुकावटें हैं। इसलिए हम चाहते हैं मयंक कि जब तक तुम अपने मम्मी पापा से गुंजन के बारे में बात ना करो, तुम दोनों एक दूसरे से ना तो मिलोगे और ना ही बात करो। मैके से तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, और जब भी हम तुम्हें देखते
तो हमें स्नेहा दिखाई देती है। शादी से पहले प्यार में कुछ हदें होती है बेटा, और भूलकर भी तुम दोनों को उसे पार नहीं करते। अब बेटा अपना दाहिना हाथ आगे निकालो। बेटी आप भी अपना दाहिना हाथ वर के हाथ में दीजिए। प्यार और शादी में फर्क होता है। तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी भलाई हमें उम्मीद हमारे लिए मायने रखती है। तुम ये फर्क समझते हो? ऐसे आसानी से घबराने वालों में से तुम थोड़ी ना, आसानी से घबराने वालों में से तुम थोड़ी ना। शादी से पहले प्यार में कुछ हदें होती है। खुशियों से बढ़कर हमारे हम गलत कर रहे हैं। मैं हमने मौसी जी को प्रॉमिस किया था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए हम उनका विश्वास नहीं तोड़ेंगे। उन्हें हम पे कितना भरोसा है मयंक? मुझे याद है, मुझे सब याद है, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है। उस घर में ताई जी के अलावा हमारी बात सुनने को कोई तैयार ही नहीं है। Doesn't matter मयंक, हालात मुश्किल है तो क्या, हम मौसी जी को धोखा नहीं दे सकते। पता है ना, सब उन्हीं को दोष देंगे। हमारी गलतियों की सजा उन्हें क्यों मिले? हम प्यार में इतने सेल्फिश नहीं हो सकते हैं मयंक। जन हम सब संभाल लेंगे। नहीं, मैं मौसी जी के साथ चीटिंग नहीं कर सकती हूँ। अगर वो नहीं होती तो पता नहीं मैं आज कहाँ किस हाल में होती। शायद हमारा प्यार भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। मयंक, हमने कोई गुनाह नहीं किया है जो ऐसे चोरों की तरह लोगों से डरे, अपने परिवार के आशीर्वाद के बिना ऐसे वीराने में शादी करें। देखो मयंक, जो लोग हमें इतना प्यार करते हैं, हमारी हर खुशी हर दुख में हमारे साथ थे, वो ही आज यहाँ नहीं है। गुंजन का है? सिको फॉरन है, वी कांट वेट एनी मोर। अच्छा सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ गुंजन को बुलाओ, वी कांट वेट। रचना, मैं तुमसे कह रहा हूं, या मैं जाकर उसे बुलाऊं? कुंजन, कुंजन चली गई। चली गई मतलब कहां? कहां गई है? हाँ वो घर चली गई। घर चली गई क्यों? कोई प्रॉब्लम थी, तबीयत खराब या कुछ? नहीं सर, तबीयत ठीक है उसकी। वो क्या था कि वो, हाँ वो उसके पापा आए हैं ऑस्ट्रेलिया से कुछ दिनों के लिए, इसलिए और कुछ नहीं। तुम्हें आइडिया भी है इस वक्त घर में कितना तमाशा मच गया होगा? गुंजन तमाशा तो होना ही है, एक बार हम घर पहुंच जाएंगे सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए गुंजन जो काम शुरू किया है उसे खत्म करके जाएंगे। प्लीज गुंजन, वी आर एडल्ट्स नाउ। मैंने सोच समझ के ये फैसला लिया है। अगर इस उम्र में हम अपने फैसले खुद नहीं लेंगे तो कब लेंगे? तुम देखना, एक बार हमारी शादी हो गई ना तो हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। गुंजन एडल्ट्स है, इसीलिए तो इतनी मैच्योरिटी नहीं दिखा सकते हैं हम। मौसी जी को दिए हुए वादे को नहीं तोड़ सकते, नेवर। गुंजन अगर वो तुम्हारी मौसी हैं तो मेरी ताई जी भी हैं। मैं भी उनसे प्यार करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ मैं, और उन पर कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। और जब हम शादी करके सबको बताएंगे तो कोई उन पे दोष क्यों देगा? हम ऐसा नहीं कर सकते मयंक। Why not? अगर हमारा प्यार सच्चा है तो दुनिया आज नहीं तो कल उसे एक्सेप्ट कर ही लेगी। हमें एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर सकता है, और हमारी फैमिली वो हमारा भलाई चाहते हैं तो क्यों मना करेंगे? इसीलिए मैं जिद मत करो, लेट्स गो। जिद मैं नहीं गुंजन, जिद तुम कर रही हो। यहाँ मैंने सब तैयारियां कर ली और तुम हो कि? मैं हूँ कि मैं इस तैयारी में सबको शामिल करना चाहती हूँ, हमारे प्यार की परीक्षा लेना चाहती हूँ मैं। अगर सारी मुश्किलों के बावजूद हम जीते तब बात हुई ना।
हम घर वालों के सामने अपने प्यार की अर्जी रखते हैं, फिर देखते हैं जीत किसकी होगी। Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।